एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने पोटली बटन्स का यूज़ करके आप किस तरह से बैक नेक डिज़ाइन को बना सकते हो एंड आपको फ्रंट साइड नेक डिज़ाइंस एंड स्लीव डिज़ाइंस भी देखने को मिल जाएंगे पोटली बटन्स के यूज़ के साथ। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो सभी डिज़ाइंस को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकते ही जो डिज़ाइंस आपको पसंद आने वाले हो आप उसे मिस कर दो एंड आपको इनमें से कोई एक डिज़ाइन भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपना प्यार ज़रूर देना। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करके एंड जहाँ पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो को अपलोड करूं तो आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप मेरी कोई भी वीडियोज़ को मिस ना कर पाओ। एंड आप किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन पे वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर से करना एंड ब्लाउज डिज़ाइन से भी मोर वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करना। वहाँ बहुत से वीडियोज़ अपलोडेड है डिफरेंट ब्लाउज डिज़ाइन रिलेटेड कैटेगरीज की वीडियोज़ जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियोज़ हो सकती है। एंड फ्रेंड्स, कहीं जाना मत, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आगे इस वीडियो में आपको और भी अलग अलग तरह के पैटर्न्स में एक से बढ़कर एक बहुत ही बेहतरीन नेक डिज़ाइंस देखने को मिल जाएंगे। पुटली बटन्स वाले डिज़ाइन अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चले हुए हैं एंड ये आपको बहुत ही अमेजिंग एंड डिफरेंट सा लुक भी देते हैं। सो आपको जो भी डिज़ाइन अच्छे लगे एंड आप उसे बनवाना चाहते हो तो आप उस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लेना एंड अपने लोकल टेलर को दिखाकर आप इससे इसे अपने ब्लाउज को डिज़ाइन करवा सकते हो। एंड आपको खुद भी कटिंग एंड स्टिचिंग आती है तो आप इससे इसे अपने ब्लाउज को डिज़ाइन ज़रूर से करवाना। आप बैक को फुल कवर करने के लिए नेट फैब्रिक का यूज़ कर सकते हो एंड देन पोटली बटन्स को आप स्लीव में भी यूज़ कर सकते हो बैक की और कट के साथ या फिर आप इस तरह के डायमंड कट वाले शेप को ट्राई कर सकते हैं एंड आप इस तरह से आफिंग की तरह यूज़ कर सकते हो पोटली बटन्स को। आप इस तरह के वी शेप या फिर यू शेप के डीपनिंग बना सकते हैं एंड आप इस तरह से फ्रंट साइड में मिड में पोटली बटन्स का यूज़ कर सकते हो एंड बैक में भी एंड आप टू फैब्रिक का यूज़ कर सकते हो। आप इस तरह से स्लीव में कट में यूज़ कर सकते हो एंड आप इस तरह के डायमंड कट शेप को बैक में ट्राई कर सकते हैं। आप मल्टीपल कलर वाले पोटली बटन्स का यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ ताकि वो भी ये डिज़ाइंस को ट्राई कर सके एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।